नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर। आज हम आपको उन्हीं के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले है हवा में लटकता हुआ चीन मंदिर। चीन के इस मंदिर को देखने के बाद लगता है कि यह मंदिर हवा में लटका है। इस मंदिर को सीधी खड़ी चट्टान पर कुछ इस तरह बनाया गया है मानो वो बिना किसी सहारे के हवा में लटका है। अपनी इस खूबी की वजह से यह मंदिर पूरे चीन में मशहूर है। चीन के सांसी में तानगूत प्रांत के निकट बना यह मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। इस मंदिर के दोनों 100 मीटर ऊंची चट्टानें सीधी खड़ी हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मंदिर हवा में लटका है। आपको देखकर लगेगा कि हवा का मामूली झोंका भी इस मंदिर को गिरा देगा, लेकिन 1400 सालों में न जाने कितने आंधी तूफान का सामना करने वाला यह मंदिर आज भी पूरी शान से खड़ा है। किराडू मंदिर, राजस्थान। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराडू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि यह जगह पिछले 900 सालों से वीरान है और दिन में यहाँ कुछ चहल पहल रहती है, लेकिन शाम होते ही वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किराडू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 1100वीं सदी में हुआ था। माना जाता है कि किराडू शहर प्राचीन समय की एक विकसित प्रदेश हुआ करता था। प्रदेश के दूसरे लोग यहाँ व्यापार के आते थे, लेकिन यह शहर वीरान हो गया। किराडू का निर्माण किसने कराया, इसके विषय में भी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। शायद युद्ध, आपसी लड़ाई में भी ऐसा हुआ होगा। कैंडी सुकू मंदिर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैंडी सुकू नाम के इस प्राचीन मंदिर में एक ऐसा कलश मिला है जिसमें पिछले हजारों सालों से द्रव्य रखा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि यह अमृत कलश है जो हजारों सालों में भी नहीं सूखा है। लोगों का मानना है कि यह वही अमृत कलश है जो समुद्र मंथन से मिला था। इस कलश पर शिवलिंग भी बना है। इस मंदिर की दीवार पर महाभारत का आदि पर्व भी अंकित है। 2016 में इंडोनेशिया का पुरातत्व विभाग मरम्मत कार्य करवा रहा था, उसी समय इस मंदिर की दीवार से जो मिला, इसके बाद एक्सपर्ट की राय हमेशा के लिए बदल गई। इस मंदिर में वैज्ञानिकों को तांबे का कलश मिला जिसके ऊपर एक पारदर्शी शिवलिंग भी बना हुआ था। इस कलश के अंदर एक खास तरह का तलर पदार्थ भरा हुआ है। इस तांबे के बर्तन को इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी भी तरह से इसे खोला ना जा सके। हैरानी की बात यह है कि यह कलश जिस दीवार से मिला था वहाँ अमृत मंथन की चित्रकारी भी की गई थी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर और हर मंदिर अपने आप में खास है, लेकिन हम जिस मंदिर की बात आपको बता रहे हैं वह राजस्थान के दौसा जिले में स्थित घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। अगर किसी को भूत प्रेत ने अपने वश में कर रखा है और छुटकारा नहीं मिल रहा है तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर इन बाधाओं से छुटकारा दिलाने का उत्तम स्थान है। यहाँ आते ही बहुत सारे नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ आप चौंक जाएंगे। यहाँ कई पीड़ित लोगों को जंजीर से बांध कर उल्टा लटकाते हुए आप देख सकते हैं। इस मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान होता है। कहते हैं कि कई साल पहले हनुमान जी और प्रेतराज अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। भूत प्रेत और काले जादू से ग्रसित लोगों को यहाँ लाया जाता है और सभी बाधाओं से वे मुक्ति पा लेते हैं। कहते हैं इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एक मार्ग देना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर से बांध कर इस मंदिर में लाया जाता है। पीड़ित लोगों को मंदिर में लाते समय यहाँ का दृश्य इतना भयानक हो जाता है कि सामान्य लोगों की रूह कांप जाती है। यह पीड़ित लोग मंदिर में बैठ बैठ कर चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर की बुरी आत्माओं के विषय में बताते हैं, जिनसे इन पीड़ित लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और यहाँ की चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं उभरी थी। इसे ही हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है।
इसके चरण में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यह मंदिर काफी शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है, इसलिए यह मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में विख्यात है और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गड़ियावाला माता जी का मंदिर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कालीसिंधी नदी के किनारे पर स्थित गड़ियावाला माता जी का मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं। कहा जाता है कि मंदिर में पिछले 5 सालों से एक दीपक लगातार जलता चला आ रहा है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, दीपक घी या तेल से नहीं पानी से जलता है। मंदिर के एक पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में जो दीपक जल रहा है सिर्फ पानी से जलता है। दीपक में कालीसिंधी नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दीपक में पानी डाला जाता है तो वह तेल की तरह चिपचिपा हो जाता है और दीपक जलने लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो यह सब माता का चमत्कार है। देवी के इस मंदिर में होने वाले चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जब अपनी आंखों से पानी का दीपक जलता हुआ देखते हैं तो उनका मंदिर और देवी के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं भारत में, दुनिया में, जिनके बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, जिनमें कि ज्वाला देवी का मंदिर जिसमें कि लगातार अपने आप ज्वाला जल रही है, और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए यहीं पर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। आगे वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे अन्य मंदिरों के विषय में। इसी सिलसिले में मणिकर्ण मंदिर की हमने वीडियो बनाई हुई है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर गर्म पानी के भाप निकलती रहती है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।